जाग पिटाई घोट सिंधड़ी थी तोखे सडे मरन पयूं मारियूं काबू मंच कोट अचत तुंहिंजी वोट ॾाढनि खे डारे विझो शेख अयाज़ शेख अयाज़ जो इहो शेर मूंखे इन करे ज़हन में आयो जो आऊं हिन वक़्तु जंहिं छित जे हेठां जंहिं ऑडिटोरियम में ॻाल्हाए रहियो आहियां इहो ऑडिटोरियम सिंध जे आशिक़ शेख अयाज़ जे नाले सां मनसूब आहे मां बि शेख अयाज़ सां इश्क़ कयां थो इन करे थो कयां जो शेख अयाज़ सिंध सां इश्क़ कंदो सिंध मुंहिंजी माउ आहे ऐं माउ सभिनी खां मुक़दस ऐं मुक़दम आहे अॼु जे हिन सिंध फेस्टिवल में ॿ टे ॻाल्हियूं तमामु सुठियूं ऐं बामक़सदु थियूं आहिनि मां मुबारकबाद पेश कंदुसि वाइस चांसलर साहब खे ऐं जिन जिन हिन सिंध फिल्म फेस्टिवल खे मुनक़िद करण में हिसो वरितो आहे ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी जो मूंखे त खणी सॼऊं तव्हां त पंहिंजो ई आहियां ऐं कोन नओं त आहियां कोन तव्हांजे लाइ न तव्हां मुंहिंजे लाइ नवां जो मां वरी उहो ई डायलॉग चवां त नवां आहियां सोणे आहियां त न त मूंखे ख़ुशी हिन ॻाल्हि जी थी त तव्हां सैयद नूर खे पंजाब मां इनवाइट कयो सैयद नूर खे पंजाब मां इनवाइट करणु सिंधी फिल्म फेस्टिवल में ग़ौर तलब ॻाल्हि आहे सिंधी फिल्म फेस्टिवल में जंहिंसां सैयद नूर जो को तालुक़ु कोन्हे न कॾहिं हुन सिंधी फिल्म ठाही हाणे ख़ैर हिन फेस्टिवल खां मुतसिर थी ऐलान ज़रूरु कयो अथई ऐं कंदो बि त इहो सिंध धरती सिंध वारनि सिंध यूनिवर्सिटी सिंधिया लॉजी जी कुशादा दिली ऐं वसीउन नज़री जो इज़हार आहे असीं तंग दस्त न आहियूं जो ॿियनि खे इज़त न ॾियूं उहे ॿिया जेके टैलेंटेड आहिनि जेके लेजेंड्स आहिनि पंहिंजे पंहिंजे शोबे में सिंध फिल्म फेस्टिवल जे इनक़ाद में जेका रूह आहे उन रूह ॿ ॻाल्हियूं थियूं आहिनि जंहिंजो इहो साबित थियो आहे हिकु त मेहताब राज जी मार्केटिंग जी ॻाल्हि कई इहा निहायत ई अहम ॻाल्हि आहे मार्केटिंग हूंदी त कामयाबु थींदियूं फिल्मनि जो फिल्म इंडस्ट्री जो रिवाइवल अगरि मार्केटिंग नथी थिए त पोइ कुझु कोन थींदो ॿी ॻाल्हि इहा जेका मां सैयद सरदार अली शाह साहब खे तजवीज़ ॾिनी त मूंखे इहा बि ख़ुशी आहे मां इन खां पहिरीं ॿियनि वॾनि खे बि इहे तजवीज़ूं ॾेई चुकियो आहियां ऐं हुननि मुंहिंजी इन तजवीज़ ते एप्रिशिएट बि कयो एग्री बि कयो पर अमल कोन कयो अॼु बि मां इहा तजवीज़ सैयद सरदार अली शाह साहबु वज़ीर मौसूफ़ खे ॾिनी आहे सैयद सरदार अली शाह साहब जो जॾहिं नालो अचे थो नसीर मिर्ज़ा साहबु त मूंखे हिकु शख़्सियत यादि थी अचे तव्हां केतिरा आहिनि जेके अञा जावा बि न हूंदा ख़ैर एॾो पोड़ो आऊं बि कोन आहियां सैयद सरदार अली शाह साहबु हिकु शख़्सियत हुई मुछूं उन जूं भेनर जहिड़ियूं ई हुयूं महिराण पीर पगारे साहिब जी अख़बार हुई महिराण उन जो चीफ एडिटर हो ऐं हुन जी उहा दहशत हुई हुकुमराननि ते उन वक़्त जे ज़ालिम ऐं डिक्टेटरनि ते ऐं हू ख़ूब लिखंदो हो ऐं सच लिखंदो हो अॼु
सैयद सद अली शाह साहब वजीर बौसू मुझी उन तजवीज के एग्री तो किया है, ऐलान भी किया, उम्मीद क्या तो ते अमल भी थी या नशिस्तन गुफ्तन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली गाल तो नींदी। इन सिलसिले में दिसो एक दौर हो जो अस पुरानी फिल्मों दिखियं, टेक्नोलॉजी न हुई, तमाम सस्तियों फिल्मों ठहंदी हुई। खैर उनमें एक तो अस धाड़ेल के हीरो बनायो, हीरोज के धाड़ेल कर छो। असाखे अज की दुनिया में अज के जमाने से हलणो पवंदो, अग्यां वधणो पवंदो। माज़ी जा खजाना माज़ी ज़माने हाल के हवाले करदो आहे, ज़माने हाल जो हुंदो आहे वो उन जा दरवाज़ा मुस्तक़बिल ते खुलंदा आहे। असांखे फिल्म सिंधी फिल्म फेस्टिवल जे इन मां फ़ाइदो वठंदे सिंधी फिल्म के रिवाइव करणो पवंदो। मां तजवीज़ इहा ई ॾिनी त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेफटेक ठाई हुई, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उन्हीं के तहत चंद फिल्मों भी ठयूँ, हर साल अवॉर्ड भी थींदा हुआ। उहे अवॉर्ड उन गड बेस्ट एक्टर, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट फिल्म, उन मूर्ति से गड लिफाफो भी मिलन हो, पैसा उनकी हौसला अफजाई थी हुई। बाद जे हुकूमत उनके उन इदारे के बंद कर छो। तो हाँ मौजूदा पार्टी की हुकूमत मर्कज़ में कोने, सिंध में आए, तो सिंध में यही तजवीज़ दिनी तो सेफटेक ठाकुर सिंध फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उन्हीं में बजट मुख्तस कयो, तमा स्टील मिल अगर नुकसान में आए या बंद थियण वाली आए तो उनके अरबा रुपया सब्सिडी दियो था। तमा पहन जेके सियासतदान हैं उन्हें शुगर मिल्स के भी सब्सिडी दियो था अरबा रुपयन में। तो ही तो बाबा कल्चर आए, फिल्म आए, ये सभी गालन का वधीक इनकी अहमियत है। कौमू सकाफत के जरिए ही सुजातियों इंदियों आएं, असा अगर सकाफत के इग्नोर कयो तो पो असी कुछ को नहीं। मुख्य खुशी आए तो अज सकाफत जी सही माना में बुनियाद पई आए, जो क्रेडिट वाइसराजर साहब के पवे तो। बिलाशुबा वजीर बौसू आयो गाल कहीं मुझे एग्री कहीं, इंशाल्लाह मुझे लगे तो वो यो कम कंदो। सिंधी फिल्म जी सिंध में टैलेंट जी का कमी कोने, वड़ा तमाम घना आर्टिस्ट आन, डायरेक्टर आन, टेक्नोलॉजी भी पढ़न पाया, अज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो पढ़ रहे हैं। एक जमानो हो जैसे आऊँ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में होस, जैसे रेडियो होमस्टेड हाल में होंदी हुई, महताब असा हुई, महताब तब नंढड़ी हुई, मुझे बारन के प्रोग्राम में इंदी हुई, वो महताब के अस वो करे ड्रामन में हीरोइन कर छो। तो उन जमाने में टैलेंट हंटिंग टीम होंदी हुई, वह टैलेंट हंटिंग टीम जो चेयरमैन मखदूम मोहम्मद जमा तालिबुल मौला साहब हों, बिया जे उनमें कमेटी में होंदा हुआ उन टीम में सरदार मोहम्मद अली शाह जामोट, जामोट फैमिली जो वो वही शख्सियत हो, मीर फजल अली टालपुर बेहतरीन तबलो वजाइ हो, बेहतरीन तबलो। तो ये जे गुजरिया वा वा ये इवन डॉक्टर नबी बस बलोच उन टीम में, वो गोठन में वही सिंध में अंदरून सिंध में वही आर्टिस्टन के गोलींदा हुआ, दिसंदा हुआ, उन्होंने रेडियो ते आनींदा हुआ, रेडियो में उन्होंने वो नालो थो मशहूर थो। ये सब यो कम तो अज घणे आर्टिस्ट आहिन, लेकिन उन्हें एकड़ी डस्ट चढ़ियल है, मिट्टी चढ़ियल है। ज़रूरत इन गाल जी आए तो जेके इदारा आहिन
उहे उन मिटीअ खे साफ़ करे उहे जेके मोती उन में आहिनि आर्टिस्टनि जा मोती उहे मोती कढी उन्हनि मोतियुनि जी चमक सां सिंध ऐं सिंध जी धरतीअ खे रोशन कनि। मां मुबारकबाद पेश कयां थो हिन फेस्टिवल ते। ॻाल्हियूं त तमामु घणियूं आहिनि। शुरूआति त मुंहिंजी बि सिंधी फिल्म सां थी हुई। मां जॾहिं रेडियो में हुउसि ऐं स्टूडेंट बि हुउसि, तालीम बि मुंहिंजी हूंदी हुई, त हिकु दफ़ो रेडियो ते फाज़ाणी साहब बि ईंदा हुआ। त मूंखे फाज़ाणी साहब आयो ऐं मूंखे चयईं त बाबा तुंहिंजी शूटिंग आहे कराची ईस्टर्न स्टूडियो में, फुला तारीख़ ते अचिजाए। मां ॾिसंदो रहिजी वियुसि त मां त कॾहिं सोचियो कोन त को एक्टर थींदुसि। हुन मूंखे चार ॾहें जा निहायत नवां नोट मूंखे ॾिना 40 रुपया, त तूं भाड़ो वाड़ो करे अचिजांइ। ऐं मां हुन तारीख़ ते ॾाढा वार वार हुजा, वार बि ॾाढा वॾा हूंदा हुआ, ऐं बहितरीन नवां कपिड़ा सिबराए ऐं ख़ुशबू लॻाए ऐं ईस्टर्न स्टूडियो वियोसि। ऐं हुते साइड हीरो जो रोल हो मुंहिंजो, पर साइड हीरो बि अहिड़ो हो, हालांकि उनजी कहाणी जेकॾहिं परदेसी फिल्म जी त फाज़ाणी साहिब जी भेण जेका आहे मीरपुर ख़ासि जी हिकिड़ी छोकिरी हुई बिल्किस उनजो नालो हो, त उहा उनजी विञाइजी थी वञे। पोइ त उहे मूंखे मिले थी किथे, त मां उनखे वठी थो अचां पंहिंजी हवेली में। ऐं वॾे जागीरदार जो पुटु आहे, उहो जागीरदार जो रोल भारत जे फिल्मुनि में उन दौर जो वॾो विलन हूंदो हो, सानी आतिश, जंहिंजो इहो मशहूरु डायलॉग हो के देखा जाएगा, हुनखे वरी पोइ सिंधी में बि कयूं हिते त ॾिठो वेंदो वग़ैरह, त उहो मुंहिंजे पीउ जो रोल कयो हो। त उन सां मुंहिंजी मुहबती थी वञे उन छोकिरी सां, पर सॼी फिल्म में फाज़ाणी साहब मूंखे उनखे हथ लाहिणु कोन ॾिनो। भई मुंहिंजी ऐं पाण उनखे भाकुर जॾहिं मिलियो त पाण उनखे भाकुर पाए मिलियो हो, माफ़ी सां फिल्मनि में ईअं हो। ख़ैर परदेसी खां पोइ त ॾाढी सुठी फिल्म उन कामयाबु हुई। ग़ुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ जी मौसीक़ी हुई, गाना उन में कोई 12-14 गाने थे उस परदेसी फिल्म में, जो सारे ही गाने हिट थे। नज़ीर बेगम ख़ासतौर पर उहो सिंधी में गाती थी। उन खां पोइ जेके सिंधी फिल्मूं ठहियूं, मां बि कोई 3 या 4 फिल्मूं सिंधी कयूं आहिनि, ऐं धरती लाल कुंवर कई हुई, ऐं 2 ॿियूं कयूं आहिनि मूंखे, हा दरिया ख़ान, दरिया ख़ान बि पंजाबी में ठही, पोइ उनखे वरी सिंधी में वॾेरा कई, जो सिंध जो बैकग्राउंड वग़ैरह। त लेकिन अॼु ॾिसणो इहो आहे त हीअ त असां ॾिठो माज़ी, ऐं असीं सिंधी फिल्म फेस्टिवल मल्हायूं बि पिया, त अॼु छा आहे? अॼु त सिंधी फिल्म ठहे ई कोन थी। त उन जे ई करे मां सम्झां थो त हीअ फेस्टिवल, हीअ तकरीब जेका आहे इहा इन करे आहे त सिंधी फिल्म जो रिवाइवल थिए, ठहणु घुरिजनि, आर्टिस्टनि जो फन ज़ाया न थिए, राइटरनि जूं तहरीरूं ज़ाया न थियनि। वेठा आहिनि तव्हां, बेशक सिंध हुकूमत में बि कल्चर डिपार्टमेंट में ई आहे इहे आर्टिस्टनि जो आर्टिस्ट वेलफेयर फंड, इंटरमेंट फंड आहे, जंहिंमें आर्टिस्टनि खे ॾींदा आहिनि 2 लख, 5 लख, 3 लख ॾींदा आहिनि, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ, इहो काफ़ी न आहे। जेके आहिनि उन्हनि खे कमु ॾियो ऐं कम जा मौक़ा फराहम करियो, त ही जेके डायरेक्टर आहिनि, आर्टिस्ट आहिनि, राइटर आहिनि, जॾहिं उहे कमु कंदा ऐं कम जो उन्हनि खे मुआवज़ो मिलंदो त हुनजी बीमारी ख़तमु थी वेंदी। अॼु जो असीं बीमारनि खे ख़ैरात था पिया ॾियूं। मां इस्लामाबाद में जेको मर्कज़ जो आहे कमेटी आहे, सदर मुमलिकत जे चेयरमैन जे तहत, त उनजो बि मेंबर आहियां। उन उहे बि मां उते बि इहा ॻाल्हि कई आहे त को इन्हनि जे लाइ कमु ॾियो, कमु करणु था चाहिनि, हिननि जे आर्ट मां फ़ाइदो वठो ऐं फ़ाइदो ॾियारियो। पोइ मार्केटिंग जी जेसिताईं ॻाल्हि आहे त न सिनेमाऊं ज़रूरी आहिनि। सिंध में
अज हैदराबाद में 33 सदी माओं हुई तो अज मुझे ख्याल है रहे थी वही है। लाड़काने में शायद एक भी सनीमा को दादू में एक भी को ये सब असाजा सर्कस ये मार्केट्स हुई। एक जमानो हो जैसे फिल्मों ठहदी हुई तो इवन पंजाब लाहौर में भी फिल्मों ठहदी हुई उनमें गश्ती टाकीज भी होंदी हुई टूअरिंग टाकीज जैसे गश्ती चो पंजाबी में तो उ कोठन में अची आसमान के हेठ तडा विछाए प्रोजेक्टर लगाए तो गोठाणा जो फिल्म दिसंदा उन्होंने तफरीह मिलंदी हुई सस्ती तफरीह हुई सस्ती। अज तो एक भारतीय फिल्मों के इम्पोर्ट करे असो जो लोकल कॉन्टेंट है उनको बेड़ो घर कर भारतीय फिल्मों जाहिर है वो फिल्म इंडस्ट्री वो मुल्क है इंडिया उनकी वही फिल्म इंडस्ट्री है वर्ल्ड मार्केट है उन्होंने उन्होंने असा इत पाकिस्तान की मार्केट थाली में रखी दई छी है लखे डॉलर्स में भारतीय फिल्मों इम्पोर्ट क्यू वन उ लखे डॉलर्स पाकिस्तान में जरे मुबादला की सूरत में भारत में पा वन गया उन्होंने इकोनॉमी असी मुस्तहकम पा क्यों असानी पैंजी इकोनॉमी जो बेड़ो गर्क पो थे यो हुकुमरान के सोचण घुर्जे। अब मां नथो चाहें तो कोई सिंधी भारतीय फिल्म न होजन पर असो भी फिल्म उत वन असो भी फिल्म वन असा के भी उन्होंने मार्केट्स मिलन बेशक खूब अचन जो पे एक जमाने में थो हो यो हुकूमत जो कम है। बस मां मेलो तो लुटे वो सरदार शिक्षा साहब हमरा सब हली व्या पर इविंद जे भी बकौल नूर साहब जे तो फिल्म लवर्स ये ही इंशाल्लाह जदें सदींद जदें भी असानी खिदमत की जरूरत है असं हाजिर हूँ खास तौर से सिंध सेफ डेक अगर ठहे थी तो उनमें मुझी तजवीज़ यह है तो बेशक हुकूमत के तहत हुए पर उनमें एक कमेटी ठाई वे उन कमेटी जो ताल्लुक उन शख्सियतों से हो जिनो आर्ट एंड कल्चर से वास्तो है आर्ट एंड कल्चर जे मानू हैं मिसाल के तौर नसीर मिर्जा साहब है यार मोहम्मद शाह साहब हैं महताब है तो अड़न शख्सियतों के ते मबनी कमेटी हुए वह कमेटी छाकाण जो बजट होंगी वो जो डायरेक्टर आर्टिस्ट वगैरह आन उन्होंने मौजूआत दियन मौजू दियन तो उन्होंने फिल्म ठाहन फाइनेंस वह कमेटी कंदी हुकूमत जो ही फाइनेंस होंद लेकिन उन कमेटी के थ्रू हों कमेटी जो बाख्तियार होंगी कमेटी में को ब्यूरोक्रेट न खपे असा ब्यूरोक्रेट न हल वहीं जो भी शोबो है उन शोबे से ताल्लुक रखड़ ही वजीर भी हो घुर्जे तो ऑफिसर भी होर्जे जो मुझे ख्याल है सदाली शाह साहब भी सकाफती मू मु लगो मुझी पहली मुलाकात है उन्होंने सा बाकी कदर कयो फनकारन जो कदर कयो लेखकन जो कदर कयो एक जमानो हो रेडियो अज रेडियो जो भी इफ्तिताह थियो आए रेडियो सिंधियाला जी मुख्य उम्मीद है तो इनको यो रेडियो भी एक कौम जो आवाज़ हों बशर्ते के उनमें सच्चाई हो वो चाहे पैंजन के खिलाफ पैंजन के ज्यादतियों पैंजन के करप्शन पैंजन के नाइंसाफिन के भी खिलाफ अगर आए तो रेडियो तो वो आवाज़ बुलंद थे घुर्जे। मेहरबानी।